हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, झारखंड हाई कोर्ट में विभिन्न पदों पर भर्ती निकल कर आई हुई है। कुल पदों की संख्या 63 है। इसका एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपके साथ डिटेल से चर्चा की जाएगी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि इसी तरह का यूजफुल कॉन्टेंट आपको लगातार प्राप्त होता रहे। अब हम लोग दोस्तों सारा डिटेल देखते हैं। ये दोस्तों देख सकते हैं, झारखंड उच्च न्यायालय की तरफ से यहाँ पर निकल कर आई हुई है। यहाँ पर देख सकते हैं, झारखंड उच्च न्यायालय रांची में आपका चपरासी, सफाई कर्मी, रसोईया के रिक्त पदों के लिए आपका वैकेंसी निकाला गया है। वेतनमान आपका 18,000 से 56,000 रुपया आपको दिया जाएगा। लेवल वन के अनुसार सीधी भर्ती योग्य हेतु योग्य उम्मीदवार से यहाँ पर विज्ञापन यहाँ पर निकाला गया है। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं, इसका ऑफिशियल वेबसाइट पर भी सारा डिटेल देख सकते हैं। अंतिम तिथि की बात किया जाए तो 20/9/2023 से अपराह्न 5 बजे तक आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है। चतुर्थ वर्गीय पदों पर सीधी भर्ती योग्य उम्मीदवार अपना यहाँ सौ हस्तलिखित, मतलब स्वयं से आपको आवेदन करना पड़ेगा, स्वयं से लिखा हुआ प्रपत्र पर। और नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं, चतुर्थ वर्गीय के लिए यहाँ पर पदवार यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है। और चपरासी के लिए यहाँ पर देख सकते हैं, टोटल पदों की संख्या 38 है। और महिला के लिए यहाँ पर देख सकते हैं 2 है, खेलकूद कोटा से 1 है, और अंधापन और कम दृष्टि वन से 1 है, और बहरापन के लिए 1 है। टोटल पदों की संख्या यहाँ पर देख सकते हैं 38 है। सफाई कर्मी के लिए टोटल पदों की संख्या यहाँ पर 10 है। नेक्स्ट यहाँ पर फरास के लिए 9 पद है, और नेक्स्ट यहाँ पर रसोईया के लिए यहाँ पर टोटल 6 पद है। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है कि न्यूनतम आपका योग्यता एवं वेतनमान के बारे में बात किया जाए, पदों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, न्यूनतम आपका योग्यता की बात किया जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं, चपरासी के लिए आपका यहाँ देख सकते हैं 18,000 से 56,900 रुपया दिया जाएगा। मैट्रिक आपका समकक्ष होना चाहिए। सफाई कर्मी के लिए भी आपका सेम वेतन है, मैट्रिक होना चाहिए। सभी के लिए यहाँ पर देख सकते हैं वेतन यहाँ पर सेम है, और यहाँ पर मैट्रिक यहाँ पर समकक्ष होना चाहिए। रसोईया के लिए मैट्रिक एवं समकक्ष, और कुकिंग और कैटरिंग में 3 वर्षों का यहाँ पर एक्सपीरियंस बोला गया है। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि उपरोक्त पदों के लिए साइकिल चलाने का ज्ञान होना चाहिए, महिला और दिव्यांगों के लिए यह अनिवार्य नहीं होगा। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं, उपरोक्त पदों के लिए अनुभव प्राप्त किए हुए उम्मीदवारों के यहाँ पर प्राथमिकता दी जाएगी। प्रारूप दिया गया है, प्रारूप के अनुसार आपको सब हस्तलिखित लिख कर आपको देवनागरी लिपि में हिंदी में लिख कर आपको दिए गए पते पर आपको संबोधित करते हुए आपको यहाँ पर सेंड कर देना है, यहाँ पर स्पीड पोस्ट के माध्यम से। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं, उम्मीदवार का प्रवेश पत्र आपका प्रपत्र ख में देवनागरी हिंदी में स्वयं भरकर आवेदन पत्र के साथ आपको अनिवार्य रूप से संकलन करना है। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं, आवेदन पत्र जमा करने की जो अंतिम तिथि है 20/9/2023 से अपराह्न 5 बजे तक आप जमा कर सकते हैं। यहाँ पर इंडिया का कोई भी मतलब छात्र आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवार का यहाँ देख सकते हैं लिखा गया है, भारत का नागरिक हो, मानसिक शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, नेक चरित्र अच्छा हो, किसी आपराधिक आचरण वाले किसी मामले में मतलब सजा नहीं हो। और नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं, उम्र सीमा की बात किया तो 1/7/2023 के आधार पर आपका न्यूनतम 18 साल होना चाहिए, अधिकतम से उम्र सीमा की बात किया जाए तो 35 साल होना चाहिए, और अत्यंत पीछे 1 और 2 के लिए आपका 37 साल बोल दिया गया है। अनारक्षित महिला के लिए पिछड़ा 1 पिछड़ा 2 के लिए 38 साल, और ST/SC कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 40 साल, और PhD के लिए यहाँ पर 10 साल यहाँ पर रिलेक्शन किया जाएगा। अब फीस की बात किया है तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अनारक्षित आपका वन पिछड़ा वन BC1 BC2 एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग IEW के लिए आपको 200 रुपया आपको डिमांड ड्राफ्ट महाधिवक्ता झारखंड उच्च न्यायालय रांची के नाम पर आपको भुगतान करना पड़ेगा। और नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं कि ये ST अनारक्षित आरक्षित कोटि के उम्मीदवार जो होंगे उनको यहाँ पर शुल्क मुक्त रहेंगे। और नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं, सूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग दिव्यांग जो कि 40% या उससे अधिक हैं तो अपना यहाँ पर प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं कि अनुलग्न यहाँ पर संलग्न जो करना पड़ेगा आपको, उम्मीदवार निम्नलिखित प्रमाण पत्रों के सेल्फ अटेस्टेड के साथ आपको प्रति आवेदन के साथ संलग्न करना पड़ेगा। मैट्रिक का आपको प्रमाण पत्र, परीक्षा पास करने का प्रमाण पत्र, जो जन्मतिथि के का भी प्रमाण पत्र आपका होगा। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं, सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र आरक्षित कोटि के लिए, सक्षम पदाधिकारी का आपका निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र आरक्षित कोटि के लिए, सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत आपका जो दिव्यांगजनों के लिए यहाँ पर रहेगा, सक्षम पदाधिकारी का आपका निर्गत यहाँ पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के संबंधित होगा, और खेलकूद के कोटा के लिए आपका अंतर्गत आरक्षण का दावा झारखंड सरकार के सीधी नियुक्ति हेतु निर्धारित मानक के अनुसार आपका होगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि आवेदक आवेदन पत्र के साथ आपको 3 पासपोर्ट साइज का सेल्फ अटेस्टेड रंगीन पासपोर्ट संलग्न करना पड़ेगा फोटोग्राफ, और जो कि जिसमें एक आपका आवेदन पत्र पर रहेगा, दूसरा आवेदन पत्र पर चिपका होना चाहिए, और तीसरा आपका अतिरिक्त रहेगा। 10x4 का आपका यहाँ पर स्वपत्र लिखित लिफाफा होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, सीधे बाई सीधे करके पढ़ सकते हैं। और नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं, लिफाफे के ऊपर आपको विज्ञापन संख्या, आवेदित पद का नाम, श्रेणी एवं बड़े बड़े एवं साफ अक्षरों में आपको लिखा जाना यहाँ पर अनिवार्य है। आवेदन भेजने का जो पता है, महानिबंधक झारखंड उच्च न्यायालय धुरवा रांची, पिन कोड आपका 83404 है। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर क्लियर कर दिया गया आवेदन पत्र का प्रारूप के अनुसार केवल आपको सौ हस्तलिखित आवेदन ही स्वीकार किया जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं पद का नाम आपको यहाँ पर नाम दे दिया गया है, यहाँ पर आपको टिक मारना पड़ेगा। आवेदन का नाम यहाँ जो होगा, आवेदक का नाम हिंदी में, अंग्रेजी में, पिता का नाम, जन्म तिथि, तारीख, माह, दिनांक, यहाँ पर कितना आपका आयु हुआ है, जन्म स्थान, आपका स्थायी पता, पताचार का पता, राष्ट्रीयता, दूरभाष संख्या, और यहाँ पर कब कब आप एजुकेशन आपका कंप्लीट हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं। विशेष योग्यता अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि कोटि के अनुसार आपका, उसके बाद लिंग होगा, पीएच हो है तो उसके लिए भी आप करना पड़ेगा, अगर आपके कार्यरत है तो उसमें भी करना पड़ेगा, कोई विरुद्ध आचरण कैसा है उसके बारे में भी यहाँ पर क्लियर, यहाँ पर घोषणा पत्र करना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं कि यह आपका प्रवेश पत्र रहेगा, अभ्यर्थी द्वारा भरा रहेगा, आवेदक पद का नाम रहेगा, आवेदक का नाम रहेगा, पिता का नाम रहेगा, पदाचार का पता रहेगा, आपका पिन कोड के साथ रहेगा, यह आपका कार्यालय से भरा जाएगा, और यहाँ पर आपको फोटो चिपकाना होगा। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर विज्ञापन निकाह का विज्ञप्ति अनुसार आपको पेपर में एडवर्टाइजमेंट दिया गया था। आशा करते हैं दोस्तों कि आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो गई होगी। यदि किसी तरह से कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।